നമസ്കാരം. വാർത്താ പ്രഭാതത്തിൽ നിന്ന് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നമുക്ക് ഇന്ന് രണ്ട് അതിഥികളും വാർത്താ പ്രഭാതത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റാരുമല്ല വർഷ അഗർവാളും പണ്ഡിറ്റ് ലളിത് മഹന്തുമാണ് ഇന്ന് വാർത്താ പ്രഭാതത്തിൽ അതിഥികളായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. സൂര്യ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള നൃത്ത സംഗീതോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ടാണ് ഇരുവരും ഇന്നലെ തലസ്ഥാനത്ത് എത്തിയത്. ഇവർ അവതരിപ്പിച്ച തബല സന്തൂർ ജൂഗൽബന്ദി തലസ്ഥാനത്തെ സംഗീത പ്രേമികൾക്ക് വ്യത്യസ്ത അനുഭവമായി. വർഷ ആൻഡ് പണ്ഡിറ്റ് ലളിത്, വെൽക്കം ടു വാർത്താ പ്രഭാതം. ഗ്രേറ്റ് ഓണർ ഫോർ അസ് ടു ഹാവ് യു ഓൺ അവർ ഷോ. How was the performance yesterday? Are you happy with the Trivandrum crowd? Yeah. Yes. Nice performance yesterday. Aap dono ko kaisa laga? Bahut acha laga Trivandrum mein aur Surya festival mein aakar hum logon ko bahut acha laga. Okay, how long have you been associated with the Surya festival and are you happy with the way it is progressing? Ji, Surya festival se kareeb kareeb hum log 3-4 saal se associated hain. और हम लोग 2010 में जलसाघर फेस्टिवल में बजाने आए थे. उसके बाद हम लोग उनके अब्रॉड चैप्टर में गए थे, स्विट्ज़रलैंड, आयरलैंड और पूरा मिडिल ईस्ट में. और अभी हम 365 डेज लॉन्ग सूर्या फेस्टिवल में परफॉर्म करने यहाँ आए हैं. ओके, सो व्हाट वाज द स्पेशलिटी ऑफ यस्टरडेज़ परफॉर्मेंस? वी हियर दैट इट वाज अ जुगलबंदी ऑफ योर तबला एंड संतूर. जी, संतूर तबला जुगलबंदी की हमारी स्पेशलिटी यह है कि हम लोग इसमें कुछ ऐसी चीज़ें बजाते हैं जो जुगलबंदी में काफ़ी कम लोग बजाते हैं, जैसे लय बांड बजाते हैं, कुछ लड़ंत भिड़ंत बजाते हैं. और हमने एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया है जो भगवान महाकालेश्वर से संबंधित है. और जो शिव का टेम्पल है उज्जैन में, उज्जैन में ज्योतिर्लिंग है भगवान महाकालेश्वर का, उसी के संदर्भ में हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट बनाया है कि वहाँ की जो भस्मारती होती है उसका प्रेजेंटेशन हम संतूर और तबले के माध्यम से करते हैं. तो वो जो हम लोग परफॉर्म करते हैं उसको ऑडियंस बहुत पसंद करती है. कल भी इस फेस्टिवल में उस कॉन्सेप्ट को बहुत पसंद किया गया. और हम अपने वादन का समापन करते हैं सवाल जवाब से, जो बड़ा अट्रैक्टिव पॉइंट होता है हमारी जुगलबंदी का. सो वी कैन हैव, आई थिंक वी कैन हैव अ परफॉर्मेंस ऑफ दैट. वर्षा, ओके. अभी मैं राग अहीर भैरव आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ. एक शॉर्ट आलाप करूँगी, उसके बाद एक रूपक ताल में गत प्रस्तुत करूँगी. Thank you.
वर्षा 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 कैन यू हियर मी सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू आई जस्ट वांट टू हैव अ स्मॉल क्वेश्चन टू यू व्हेन यू टेक इंस्ट्रूमेंट्स लाइक वायलिन और गिटार यू हैव कॉल्ड दिस फ्रेट्स और सोरेस्तान बट हाउ इज योर संतूर डिफरेंट फ्रॉम दिस विंड सॉरी दिस स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स संतूर सभी वाद्यों से इसलिए डिफरेंट है चूंकि इसमें सबसे पहले तो इसको कहा जाता है सबसे बहुत पुराना वाद्य है इसको दुर्लभ वाद्य की श्रेणी में रखा जाता है लाइक ए रेयर इंस्ट्रूमेंट एंड संतूर इज कॉल्ड शततंत्री वीणा शततंत्री वीणा शततंत्री वीणा मीन्स 100 स्ट्रिंग्स वीणा बट माय संतूर इज वेरी इनोवेटिव एंड पंडित भजन सोपुरी वाज इनोवेटेड हिज संतूर पंडित भजन सोपुरी साहब वाज ही इज माई गुरु and he innovated the santur in my santur 112 strings and some specialties like vantumbi chikari tarab and gamak also just I'm showing this gamak So we use gamak. Always we use gamak in our performance. That is very different to another instruments. वर्षा जी आपके बहुत सारी खूबियाँ हैं आपके इस संदूर में आपने इसे बनवाया था ऐसे जी हाँ ये स्पेशल इंस्ट्रूमेंट बनाने वाले हैं उन्होंने इस संदूर को बनाया था जो कश्मीर से हैं एंड पंडित ललित महंत इज ऑल्सो योर गुरु कब से आप दोनों के एक साथ परफॉर्म करते हैं आई थिंक करीब करीब 20-25 साल तो हो गए हमें परफॉर्म करते हुए आई थिंक इट्स टाइम फॉर टू हैव ए पॉपुलर नंबर नो एंड आई थिंक यू हैव बीन प्रिपेयर्ड यू हैव कम प्रिपेयर्ड टू परफॉर्म द दिल दे चुके सनम फेमस नंबर जी सो वी कैन परफॉर्मिंग द सॉन्ग द फिल्म ऑफ दिल दे चुके सनम अलबेला सजन आयो रे ओके वी विल गो फॉर इट Thank you.
Varsha, why is it that we have very few female santoor players in India? Is it a difficult instrument to master? अभी काफ़ी लड़कियां सीखने को उत्सुक हैं और सीखना चाहती हैं संतूर, पर यह सौभाग्य मुझे ही प्राप्त हुआ कि भारत की प्रथम महिला संतूर वादिका होने का, उसके साथ ही इंटरनेशनली रिकॉग्नाइजेशन मिलने का। Was it difficult to find gurus in this field, वर्षा जी? जी हाँ, बहुत सच्चा गुरु मिलना तो बहुत मुश्किल काम है, परंतु मैं इस बारे में सौभाग्यशाली रही कि मुझे शुरू से ही बहुत अच्छे गुरु मिले हैं, जो पंडित ललित महंत जी और साथ में पंडित भजन सोपुरी साहब, जो किंग ऑफ स्ट्रिंग्स हैं, सेंट ऑफ संतूर हैं, पद्मश्री हैं और कश्मीर के सूफियाना घराने से हैं, वो भी मेरे गुरु हैं, मैं उनकी गंडावन डिसाइपल हूँ। साथ ही पंडित ललित महंत जी, जो पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज के डिसाइपल हैं, सीनियर डिसाइपल हैं, उनसे सीखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी लकी। इज इट म्यूजिक योर प्रोफेशन और इज इट म्यूजिक योर पैशन? माय प्रोफेशन एंड पैशन आल्सो। आप दोनों उज्जैन से हैं वर्षा जी और पंडित ललित महंत जी। उज्जैन तो कालिदास की नगरी है। जी हाँ, उसमें एक बहुत स्पेशल टेंपल है काली का। जी, काली का टेंपल है जहाँ कालिदास जी ने भी साधना की थी, परंतु उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वहाँ का जो ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, उसे कहा जाता है महाकालेश्वर, लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा का ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर। ओके, यू आर बीइंग एसोसिएटेड टुगेदर फॉर दिस जुगलबंदी शो, व्हाट इज द यूएसपी और व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ योर जुगलबंदी? हमारी जुगलबंदी की स्पेशलिटी यह है कि हम लोग कई चीज़ें बजाते हैं जो एक साथ हम उठते हैं, एक साथ ख़त्म होती है, वो बड़ा अमेजिंग लगता है। कुछ मैं आपको परफॉर्म करके हम लोग बताएंगे कि इसमें किस तरह से हम लोग सवाल जवाब करते हैं और किस तरह से हम लोग इसको परफॉर्म करते हैं, जिसमें कुछ चीज़ें ऐसी जो हम एक साथ उठते हैं और एक साथ ही ख़त्म करते हैं। अच्छा वर्षा जी, आप दोनों You have gone to many places all over India and abroad. जी हाँ, जी हाँ, हम लोगों ने बहुत जगह ट्रेवल किया है साथ में, देश में और विदेश में। So when you have gone abroad, how was the audience response over there? ऑडियंस की जो अब्रॉड के ऑडियंस है वो भी बहुत अच्छी है और उनका रेस्पॉन्स हमें बहुत मिला, बहुत प्यार मिला, यही कारण है कि बार बार हमारा जाना वहाँ होता है। So you are talking about this question answer session in your jugalbandi. We'll have a small demonstration of that. Okay, जी जरूर। इसके पहले मैं थोड़ा सा आपसे कहना चाहूँगी कि मैं पंडित ललित महंत जी से आप थोड़ा बात करें और वो आपको कुछ गणपति की कवित्त और परन और जो उनका स्पेशलिटी है बनारस घराना का कवित्त सुनाने का वो आपको सुनाएं। Sure, Mohan जी, go for it. Okay, thank you. First, I want to present the Ganesh Vandana. Ganesh Vandana. Gang Ganesh Ganapati Gananayaka Gana Adhyaksha Gadigana Dhataada Dhyana Dharata Kankata Klesha Kotin Gradhana Jatidhana Dhigati Karanavatar Vigana Vidar Ginankataka Ginan Dinan Chinchin Dhyavata Varapavata Katana Dhati Dhana Dhati Dhan श्रवण सुंदर नाम गणपति ज्ञान नाथ गजान दे तिकदान तिकेटता दंत गणतक त्रिगुण गलंबोदर एक दंत धा 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 गणा नाम गणपति गणेश लंबोदर सोहे भुजाचार एक दंत्र चंद्रमा ललाट राजे ब्रह्मा विष्णु महेश ताल दे धुरपत गावे अति विचित्र गणनाथ आज मृदंग बजावे धड़ धरात धर धर कर ध्यान दिन 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 नगे 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 दिन दिन तिन तिन ताके नन ताजर गण दिग 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 दिन 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 नगे दिन नगे ता कर धान गिट तक धरान तारान धा गिट तक धरान तारान धा गिट तक धरान तारान धा ये जो लास्ट बंदिश ने आपको कंपोजिशन सुनाया है इसमें बड़ा एक रहस्यात्मक अर्थ छुपा है। वो अर्थ ऐसा है कि गणा नाम गणपति गणेश लंबोदर सोहे भुजाचार एक दंत चंद्रमा ललाट राजे ब्रह्मा विष्णु महेश ताल दे धुरपत गावे अति विचित्र गणनाथ आज मृदंग बजावे। तो अति विचित्र गणनाथ मृदंग बजाते हैं तो उसमें अति विचित्र यानी सरप्राइजिंग क्या है तो उसमें यह है कि धड़ धरात धर धर कर ध्यान दिन 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 नगे 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 जिस व्यक्ति ने उस मालिक का उस गणपति का उस गणेश का ध्यान नित्य किया है
धड़ धरा धड़ का अर्थ होता है रास्ता, धड़ धरा तो धड़ धर कर ध्यान, बड़ा ध्यान रख के उस मालिक का गणपति का ध्यान किया है। धड़ धरा तो धड़ धर कर ध्यान दिन 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 न नागे नागे नागे, कि इन्हें प्रत्येक दिन कभी नागा नहीं किया, प्रत्येक दिन उन्होंने गणपति का स्तवन किया, ध्यान किया, दिन 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 न नागे नागे नागे, धन धन तीन उन्हें धन्य है, धन धन दिन तीन ताके ना ताद्रिका न धृगे धृगे दिख, जिन्होंने उनकी ओर नहीं ताका, उनके नेत्रों को धिक्कार है, तीन ताके ना ताद्रिका न धृगे धृगे, दिन 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 आगे दिन आगे, इन्हें दिन दिन नागा करते चले गए, दिन दिन उनका ध्यान नहीं किया, दिन नागे नागे दिन दिन तीन 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 दिन दिन नागे नागे दिन दिन ताक धान किट तक धरान तरान धा किट तक धरान तरान धा किट तक धरान तरान धा, तो उनका हश्र ये हुआ, उनका फिर इस प्रकार से हुआ कि वो न तो इस पृथ्वी पे उनका नाम हुआ न उन्हें कोई यश मिला, ताक धान किट तक धरा धरा अर्थ पृथ्वी धरा न तरा, वो न इस दुनिया से भवसागर से पार हुआ न इस पृथ्वी पे उसका कोई नाम हुआ न कोई यश हुआ। इस प्रकार गणपति की ये वंदना है। अगर आप चाहें तो एक कालिका की परण भी मैं सुनाना चाहूँगा। सॉरी वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, एनीवे थैंक्स वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ अवर शो, इट वाज अ वंडरफुल म्यूजिकल मॉर्निंग एंड थैंक्स वेरी मच फॉर कमिंग टू अवर शो। ओके ओके थैंक यू जी, धन्यवाद धन्यवाद बहुत धन्यवाद।